जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार ढहने से 3 मजदूर दब गए हैं। जगतपुरा के अक्षपात के पास की पूरी घटना। सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। लोगों की मदद से मलबे से मजदूरों को बाहर निकलवाया गया है और फिलहाल तीनों को भिजवाया गया है जयपुरिया अस्पताल। तीनों की मौत की सूचना भी मिल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की जयपुर से बड़ी खबर, जहां निर्माणाधीन बेसमेंट की दीवार ढहने से 3 मजदूर उसमें दब गए हैं। जगतपुरा के अक्षय पात्र के पास की पूरी घटना। सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और आसपास लोगों की सहायता से उन सभी मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया है और फिलहाल तीनों को जयपुर अस्पताल में भिजवा दिया गया है। लेकिन तीनों की मौत की सूचना भी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि तीनों की मौत हो चुकी है। और देखिए, जैसे ही दीवार ढही, आसपास के लोगों के द्वारा तुरंत प्रशासन की टीम को मौके पर बुलाया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यनारायण भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर, पूरा मामला भी जरा समझाइएगा। आयुषी, देखिए, जगतपुरा के पास में अक्षय पात्र के पास में एक निर्माणाधीन बेसमेंट का काम चल रहा था और मजदूर वहां काम कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान कच्ची दीवार जो थी वो मजदूरों ऊपर आ गिरी और उस टक्कर में मजदूर वहां पर दब गए थे। लेकिन जब लोग वहां पर पहुंचे, पुलिस पहुंची, तो मजदूरों को काफी गंभीर अवस्था में वहां से निकाला गया है। जो सूचना आ रही है कि तीन मजदूर दबे थे और तीनों मजदूरों की मौत हो चुकी है। फिलहाल डॉक्टरों की भी पुष्टि बाकी है। जयपुरी अस्पताल के अंदर लोग इकट्ठे हो चुके हैं, उनके परिजन पहुंच चुके हैं। चूंकि हादसा है, कोई किसी की गलती नहीं है, ऐसे में अब पुलिस के आला अधिकारी भूखे पहुंच रहे हैं। हालांकि जो मृतक परिवार है वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में उनसे समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। और वहीं जो मकान मालिक है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करने के बाद सामने आ रहे कि बिना सुरक्षा के, बिना किसी सुरक्षा यंत्र के वो बेसमेंट में काम करवा रहा था, ऐसे में शायद उसके खिलाफ छोड़ देते में मामला दर्ज हो जाए। लेकिन बड़ी बात यह कि तीनों ही जो मजदूर थे, तीनों ही मजदूरों की मौत हो चुकी है ऋषि, इसलिए पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और परिवार जनों समझाइश की जा रही है और साथ साथ जो आसपास के लोग थे उनसे घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है, जिससे क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, गलती किसकी थी, तो इसका पता लगाया जरूरी है ऋषि। सत्यनारायण, मजदूरों को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ उम्र रही होगी तीनों की? देखिए, जहां तक उम्र की बात है, तीनों व्यस्त की हैं और तीनों मजदूर पिछले करीबन 7 दिन से बेसमेंट का खुदाई का काम कर रहे थे और आज बेसमेंट को और गहरा करना था, तो इसी दौरान ये हादसा हुआ है। करीबन 5 मजदूर वहां काम कर रहे थे, लेकिन दीवार जिस तरफ की दीवार ढही है उस तरफ 3 मजदूर काम कर रहे थे। तीनों मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए, उन्हें अगर सही समय पर वो बाहर निकलते तो शायद जान बच सकती, लेकिन लोगों ने, पुलिस ने अपने हिसाब से काफी मेहनत करी, उनको बाहर निकला, लेकिन तब तक उनके उनके तो जीवन चक्र था चुका था। फिलहाल डॉक्टरों की भी पुष्टि होनी बाकी है। तीनों को जयपुरिया में रखवाया गया है, तीनों के शव, और फिलहाल परिजनों को सूचना दे दी गई है, परिजन पहुंच चुके हैं। लेकिन जो मुआवजे की बात आ रही है, क्योंकि उनके समाज के लोग भी आ चुके हैं, ऐसे में पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर, घटनास्थल पहुंचकर अस्पताल पहुंचे हैं और अब जो है परिवारजन है उनसे बात की जा रही है, जिससे की मामले को शांत करवाया जा सके। सत्यनारायण, तकरीबन कितने मुआवजे की मांग की जा रही है परिजनों के द्वारा? देखिए, अभी तक लिखित में कोई इन्होंने समझौता पत्र नहीं दिया है, हालांकि बात परिजनों की ओर से कही कि अलग अलग बातें सामने आ रही है, लेकिन फिर भी बड़ी बात यह कि पहले डॉक्टर से इनकी वो डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगा, उसके बाद में जो बेसमेंट मालिक, तो जमीन का मालिक है, उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा, उसके बाद एक कंपनी से बात आती, तो ऐसे में पुलिस के अधिकारी पहले पोस्टमार्टम कराने की बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कराने के बाद में अग्रिम वार्ता की बात कर रहे हैं। फिलहाल जयपुर अस्पताल के अंदर पुलिस के अधिकारी मुखबिर पहुंच चुके हैं, जो वहां के लोग हैं उनसे वार्तालाप की जा रही है और जो घटनाक्रम जो प्रत्यक्षदर्शी है, अन्य मजदूर है, उनसे घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है, जिससे की अगर किसी गलती हो तो उसके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके और जो मृतक परिवार है उनको कंपनसेशन मिल सके, उनके परिवार को मुआवजा मिल सके, जिससे कि अगर उनके घर में बच्चे हो तो उनको कोई दिक्कत ना हो, उनका भविष्य की शिक्षा उनको प्राप्ति हो सके। आयुषी, बिल्कुल सत्यनारायण, नजर आप बना रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।